Good morning, dear children. Welcome back to the online classroom of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. Children, in the previous class, we have learned about global warming, right? So, what is the cause of the global warming? We have already studied. Ausat tapamanam vriddhi, increase. Okay, so increase in the temperature. And so, here, let us look the remaining part of the lesson. अपने पुस्तक में देखिए पेज नंबर 91. टेक हर साल ध्रुवीय प्रांत में आर्कटिक सागर का जमा हुआ पानी पिघलता है, किंतु अब नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यह बर्फ बहुत ज्यादा पिघल रही है और समुद्री जल स्तर बढ़ने से अनेक भूभाग के डूब जाने का तथा गर्मी बढ़ने का संकट पैदा हो रहा है। इस वर्ष संपूर्ण विश्व में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दी भी काफी कम रही। इससे सभी पशु पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ गया है, खासकर आर्कटिक प्रदेश के श्वेत हिम भालुओं का, साइबेरियन पक्षियों का तथा समुद्री कोरल रीफ प्रवाल बिद्दिका का। देखिए वंस अगेन, हर साल ध्रुवीय प्रांत में, तो हर साल मीन्स ईच ईयर ध्रुवीय प्रांत में, दैट मीन्स इन द पोलर एरिया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ध्रुवीय प्रांत में आर्टिक सागर का, सो आर्टिक सागर, आर्टिक ओशियन, द आर्टिक ओशियन का जमा हुआ पानी, दैट मीन्स दैट वाटर, वाटर इन द आर्टिक ओशियन पिघलता है, मेल्टिंग, सो दैट इज द आइसी वाटर, ओके, एंड द आइस मेल्ट एंड पिघलता, पिघलता मीन्स मेल्टिंग। किंतु अब नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यह बर्फ, सो नाउ द साइंटिस्ट, नासा साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू देम, दैट मींस इन देयर ओपिनियन, बहुत ज्यादा पिघल रही है। नाउडेज द मेल्टिंग इज इंक्रीजिंग, ओके, सो द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग व्हाट, द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स ऑफ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। Once again, global warming is causing for what, the melting of, the heat increases and so naturally the glaciers and ice sheets melt, right? And so the global warming is causing the melting of glaciers and ice sheets where at the north pole and the south pole, right, in the Dhruviya Prant, that is in the north pole and the south pole. And अब नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार, वैज्ञानिकों मीन साइंटिस्ट, नासा, नासा साइंटिस्ट, देयर ओपिनियन, यह बर्फ बहुत ज्यादा पिघल रही है। नाउडेज द आइस और द आइस शीट्स आर मेल्टिंग वेरी मच आइस शीट्स आर मेल्टिंग, दैट मीन्स द इंक्रीज इन द मेल्टिंग एंड दैट कॉसेस समुद्री जल स्तर बढ़ने से and the melting, when the ice melt, there is an increase in the melting of ice, what happens naturally, the samudri jals, that means the water enters the sea, right, and the water level increases, that is samudri jals tar badne, and naturally the ice melts and much water when enter into the sea and the samudri jal star badne se, and it increases the samudri jal, the sea water level, okay, so the heat increases and the ice sheet melt and the water level of the sea also increases, that is the step, okay, and according to the NASA scientist, the ice cubes are melting very much and it causes the increases in the level of sea water, that is in the second line, vaigyanikon NASA ke vaigyanikon ke anusar yah barf, these glaciers and ice sheets
बहुत ज्यादा पिघल रही है, मेल्टिंग वेरी मच, बहुत ज्यादा वेरी मच पिघल रही है, मेल्टिंग। और समुद्री जल स्तर बढ़ने से एंड द लेवल ऑफ सी वाटर, द सी वाटर लेवल इंक्रीजेस, बढ़ने से अनेक भूभाग एंड दैट कॉसेस अनेक भूभाग द लैंड एरियाज, मेनी लैंड एरियाज डूब जाने, डूब जाने मीन्स द वाटर इंक्रीजेस एंड इट कॉसेस द फ्लड इन द लैंड एरियाज, भूभाग के डूब जाने का तथा एंड हियर द फ्लड कॉसेस द फ्लड एंड एट द सेम टाइम गर्मी बढ़ने इन द एटमोसफियर और इन द क्लाइमेट द हीट इंक्रीजेस, राइट, एंड गर्मी बढ़ने का संकट पैदा हो रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस इंक्रीज इन द हीट। वन साइड there is flood in the landscape and at the same time what happens, the heat increases। इस वर्ष संपूर्ण विश्व में दिसंबर जनवरी फरवरी में सर्दी भी काफी कम रही है। इस वर्ष दिस ईयर मीन्स हियर द ईयर 2015 to 2016 इस वर्ष संपूर्ण विश्व में इन द होल वर्ल्ड दिस मंथ्स दिसंबर जनवरी फरवरी नेचुरली इट इज अ कोल्ड मंथ्स में सर्दी भी काफी कम रही है। सो नाउ द That means the climate changes and sardi cold is काफी कम रही है, less, very less. That means the heat increases. इससे सभी पशु पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। So with this, सभी पशु पक्षियों, पशु means जानवर animal, पशु पक्षियों animal world. That means animals including birds, जानवर as well as पक्षियों, पशु पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। It is in danger. खतरा means danger. खतरे में पड़ गया है। खासकर आर्कटिक प्रदेश के श्वेत हिम बालुओं का, साइबेरियन पक्षियों का तथा समुद्री कोरल रीफ that is प्रवाल भित्तिका का। So all these causes problem, facing problems. इससे सो इंक्रीज इन द हीट कॉसेस सभी पक्षियों पक्षियों का ऑल द एनिमल वर्ल्ड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स जीवन खतरे में पड़ गया है। देयर लाइव्स आर इन वेरी डेंजर एस्पेशली आर्कटिक प्रदेश के श्वेत हिम बालू। व्हाट इज श्वेत हिम बालू? पोलर, वाइट पोलर, इज इट वाइट बियर्स, वाइट आइस बियर्स मीन्स वाइट पोलर बियर्स, इज इट श्वेत हिम बालुओं पोलर बियर्स और साइबेरियन पक्षियों, दे आर लिविंग इन द कोल्ड एरियाज, इज इट इन आर्कटिक रीजियन, साइबेरियन पक्षियों का तथा समुद्री कोरल रीफ। यू नो व्हाट इज समुद्री कोरल रीफ? प्रवाल भित्तिका, समुद्र कोरल रीफ दैट मीन्स द शेल्स एंड द शेल्स इन द स्टोन्स अंडर द सी वाटर दैट इज कोरल रीफ, कोरल्स you might have heard corals and that is pakshiyon ka tada samudri coral reef in the hindi word praval bittika, praval bittika is the hindi word and its english angrezi shabd hai coral reef, okay, and samudri coral reef that is praval bittika, all these things are facing danger because of this increase in the heat, clear? So children read this paragraph once again very carefully. हर साल ध्रुवीय प्रांत में आर्कटिक सागर का जमा हुआ पानी पिघलता है, किंतु अब नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यह बर्फ बहुत ज्यादा पिघल रही है और समुद्री जल स्तर बढ़ने से अनेक भूभाग के डूब जाने का तथा गर्मी बढ़ने का संकट पैदा हो रहा है। इस वर्ष संपूर्ण विश्व में दिसंबर जनवरी फरवरी में सर्दी भी काफी कम रही। इससे सभी पशु पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। खासकर आर्कटिक प्रदेश के श्वेत हिम बालुओं का, साइबेरियन पक्षियों का तथा समुद्री कोरल रीफ प्रवाल भित्तिका का। सो चिल्ड्रन
read this paragraph very well and understand it and write the meanings in your notebook and study well. Okay, after that do the test paper and post it. Dhanyavaad.